तरफ जो एक हरी निकाल रहा है ये सरवा का पहलवान मऊ का है, जो बचाव कर रहा है इसकी जन्मभूमि जोगा है, लेकिन इस समय इसकी तालीम चल रही है नंदनी नगर नवाबगंज गोंडा में, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद जी का अखाड़ा है, जो सांसद जी पूरे भारत के कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, एशिया के उपाध्यक्ष हैं और कॉमनवेल्थ के संयुक्त सचिव हैं कुश्ती संघ के। बहुत ही सुंदर एक तरफ भारत का नामचीन अखाड़ा शर्मा तो दूसरे तरफ नंदनी नगर, मगर इस समय नंदनी नगर पर कहीं न कहीं सरवा भारी पड़ रहा है। ब्रिज बनाकर के बचा, काफी सुंदर प्रदर्शन दिखा दिया दोनों पहलवानों ने कि हम पहलवानों के गुरु खलीफा उस्ताद हम लोगों को कैसी तालीम देते हैं। हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय कोच जिन्होंने भारत को कई बार मेडल जीते और इस समय भारत को कई अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिए हैं, माननीय रविंद्र मिश्रा जी का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय रविंद्र मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बंदन, यह दंगल गौरवान्वित होता है आप जैसी शख्सियत को पा करके। बहुत ही सुंदर कुश्ती, 4 मिनट दिया गया था, 4 मिनट दिया गया था, बीता 2.5 मिनट, शेष 1.5 मिनट, टोटल समय 4 मिनट, पहलवान 2 मिनट 1.5, फैसला 18 के बीच में। इस कुश्ती के बाद राम कुमार चौधरी 12, आर्यन पहलवान इलाहाबाद। बहुत ही सुंदर बड़ी शानदार कुश्ती। ये जंगल नहीं है, भारत का मंगल है। तीन मिनट बीता एक मिनट शेष। 3 मिनट बीता 1 मिनट शेष। 3 मिनट बीता 1 मिनट शेष। अधिक है जिस पहलवान का वो सरवा मऊ महान उत्तर प्रदेश के श्री तेज बहादुर सिंह पहलवान जी का पट्टा है, दूसरे तरफ नंदनी नगर नवाबगंज गोंडा ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद का पट्टा। तीस सेकेंड आखिरी क्षण में कुश्ती चलती हुई, जो लोकल के हमारे ग्राम सभा के नन्हे मुन्ने बालक कुर्सी पर बैठे हैं, वो हमारे अतिथि आ रहे हैं तो आप लोग कुर्सी छोड़ दें, वैसे कुर्सी की लड़ाई बनना भैया पूरी भारत में बड़ी जोरों शोरों पर बा, कुर्सी क्यों छोड़ल नहीं खींचा आज, लेकिन आज छोड़े के पड़ी क्योंकि यह चुनाव नहीं है, यह दंगल है और इसी पोजिशन में समय समाप्त, कुश्ती बराबर।
राम कुमार चौधरी 12 आर्यन बनारस, वहीं पर खड़ा रहो। बंगा भैया का कहना